नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष और एसीएफ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम डिस्कशन करेंगे कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज कॉप 13 पर, जो हाल ही में गांधीनगर अभी अपने 17 से 22 फरवरी के बीच में गांधीनगर गुजरात में हुआ था। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। शुरू करने से पहले आप लोगों को बता देता हूं कि हमारी जयपुर में ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस चल रही है। आप इन ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप ये इस नंबर पर कॉल करते हैं, ये नंबर दिया हुआ है, इन नंबर पर कॉल करने पर आप पूरी डिटेल जान सकते हैं। फटाफट से इन नंबरों पर कॉल करके और पूछें और फटाफट से हमारा बैच कोर्सेज और इसी के साथ साथ हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जियोलॉजी की क्लास रेगुलर चल रही है फैजल सर के द्वारा, एनवायरमेंट की क्लास चल रही है, जनरल नॉलेज की क्लास भी चल रही है और आप इंग्लिश वगैरह को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी टेस्ट सीरीज वगैरह आपको इसमें मिल जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कॉप 13 13वां संयुक्त राष्ट्र प्रवासी पक्षी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन, मतलब भारत में 17 फरवरी 2020 से 22 फरवरी 2020 के बीच में हुआ है और इसकी थीम है माइग्रेटरी स्पीसीज कनेक्ट द प्लेनेट एंड वी वेलकम देम। ध्यान रखना, थीम क्या है? माइग्रेटरी स्पीसीज कनेक्ट द प्लेनेट एंड वी वेलकम देम। स्थान गांधीनगर गुजरात। ठीक है, ये बात हो गई एक तो हमारी। अब ये क्या कॉप 13 हुआ है? कॉप मतलब क्या होता है पहले तो ये समझ लो। कई बार एक बेसिक सा कंफ्यूजन हो जाता है। कई बार आपने सुना होगा कॉप 13, फिर अभी कुछ समय पहले नोएडा में कॉप 14 भी हुआ था, फिर कॉप 25 मैड्रिड में हुआ, तो ऐसे एक दिक्कत सी क्रिएट हो जाती है कि सर कॉप 13 सभी संस्थाओं का अलग अलग जितनी पार्टीज उसमें शामिल होती है, जैसे भारत 120 सीएमएस में शामिल है, ये 120 पार्टीज इसमें बैठक ले जो करेगी महीने साल टू साल जो बैठक करते हैं उसको बोलते हैं कॉप, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, पार्टीज का सम्मेलन है सीएमएस का। तो ये 13वीं बैठक थी। मतलब अभी कुछ समय पहले कॉप 14 जो हुआ था यूएनसीसीडी का हुआ था, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, और ये जो कॉप 25 जो हुआ था ये यूएनएफसीसीसी का है, क्लाइमेट चेंज वाला। ठीक है, तो सबके अपने अपनी पार्टीज बैठक करती है और उसके बेसिस पे ये कॉप वो है मतलब। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई। अब कॉप 1 का आयोजन बोन शहर जर्मनी में हुआ था 1985 में। इससे पहले बोन में कन्वेंशन भी हुआ था और बोन में ऐसा नहीं है कि एक ही बार हुआ है, बोन में दो बार ये सम्मेलन आयोजित हो चुका है, लेकिन भारत में पहली बार हो रहा है ये। ठीक है, भारत में कॉप 13 पहली बार आयोजित हो रहा है, इससे पहले ये फिलीपींस मनीला में हुआ था। एक चीज तो हमें ये ध्यान रखनी है। उसके बाद में अब सीएमएस होता क्या है? सीएमएस संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो पहली बार 1979 में जर्मनी के बोन शहर में हस्ताक्षर हुआ था इस पर, और फिर यह संधि 1983 में लागू हो गई थी, जिसका उद्देश्य है स्थलीय समुद्री और उड़ने वाले अप्रवासी जीव जंतुओं को संरक्षण प्रदान करना। इस कन्वेंशन के द्वारा अप्रवासी वन्य जीवों और उनके प्राकृतिक आवास पर विचार विमर्श के लिए एक वैश्विक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है और यहाँ पर सभी पार्टीज यानी कि वर्तमान में 120 कंट्रीज इसमें शामिल है जो इसमें बैठती है और इन पर विचार विमर्श करती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अभी क्या विचार विमर्श करती है, क्या बातें होती है, तो आप देख रहे होंगे 9 फ्लाईवेज इन द वर्ल्ड, यानी कि विश्व में 9 फ्लाईवेज है। ये फ्लाईवेज जीव जंतुओं के जो ऋतु प्रवास करते हैं अपने भोजन पानी आवास की तलाश में कंटिन्यूसली। आपको पता है कि सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होता है तो क्लाइमेटिक कंडीशंस बदलती रहती है पूरे अपनी पृथ्वी पर। जब क्लाइमेटिक कंडीशंस बदलती है तो फिर उसी हिसाब से जीव जंतु भी जिस क्लाइमेट में जी सकते हैं उस क्लाइमेट की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो आप देखते होंगे कि राजस्थान में अपने इधर साइबेरिया की तरफ से, ये इधर साइबेरिया है, साइबेरिया की तरफ से जीव आते हैं, साइबेरियन क्रेन आता है इधर की तरफ। ठीक है, कब आता है? तो ऑब्वियसली कि वो शीत ऋतु में आएगा, ग्रीष्म में नहीं आ सकता, क्योंकि शीत ऋतु में इसलिए कि यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है। जब सूर्य दक्षिणायन चला जाता है इधर की तरफ, सूर्य चला जाता है दक्षिणायन, बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है, और जब बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है तो फिर उनके लिए वो आवास ठीक नहीं रहता जीवों के लिए, साइबेरियन क्रेन्स के लिए, तो फिर वो साइबेरिया से उड़ते हुए इधर की तरफ भारत की तरफ आ जाते हैं। अब आप इसमें देख रहे होंगे 9 फ्लाईवेज वे से एक फ्लाईवे आपको दिख रहा होगा सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। इस सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का हिस्सा है भारत, आपको ये ध्यान रखना है।
क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप अगर एसीएफ का एग्जाम दे रहे हैं और एनवायरनमेंट साइंस आपके पास सब्जेक्ट है तो ये क्वेश्चन बन सकता है। साथ के साथ नोट डाउन भी करते रहे, सेंट्रल एशियन फ्लाईवेज। तो सेंट्रल एशियन फ्लाईवेज में भारत पड़ता है, जिसके तहत सेंट्रल एशिया यानी कि साइबेरिया से होते हुए पूरा इलाका इस तरह से है। तो हम एक बार इस सेंट्रल एशिया वेस्टर्न एशिया वाले क्षेत्र को देख लेते हैं कैसे, कि ये आप देखो ये है अपना भारत और ये सेंट्रल एशियन फ्लाईवेज आ गया, ये ईस्ट एशियन फ्लाईवेज ऑस्ट्रेलियन फ्लाईवे आ गया, ये वेस्ट पैसिफिक फ्लाईवे हो गया। इस तरीके से पूरा का पूरा आपके सामने कई सारे फ्लाईवेज हैं, ईस्ट अटलांटिक फ्लाईवे, ब्लैक सी एंड मेडिटेरियन फ्लाईवे, मिसिसिपी अमेरिकन फ्लाईवे, पैसिफिक फ्लाईवे, वेस्ट पैसिफिक फ्लाईवे, अटलांटिक अमेरिकास फ्लाईवे, तो यानी कि वेस्ट एशियन ईस्ट अफ्रीकन फ्लाईवे, ईस्ट एशियन ऑस्ट्रेलियन फ्लाईवे जो हम अभी देख ही रहे थे। तो ऐसे करके कई सारे फ्लाईवेज हैं ये हमारे सामने आप देख ही रहे हो, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे सर फ्लाईवे फ्लाईवे कर रहे हैं, फ्लाईवे क्या है ये तो बता दो एक बार, फ्लाईवे होता क्या है? पक्षी आ रहे हैं उस रास्ते से, वहां से पक्षी यानी कि ये ऐसा इनके इनके एक तरह से इनको संरक्षित करने के लिए और वैश्विक स्तर पर इन फ्लाईवेज को बांटा गया, जिसके आधार पर हम रणनीतियां बना सकते हैं, ध्यान रखना ठीक है, जिसके आधार पर ही रणनीतियां बनती हैं इनको संरक्षित करने के लिए। तो भारत में भी इस तरीके के कई सारे फ्लाईवेज हैं, फ्लाईवेज फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स इन इंडिया। तो इस तरीके से सेंट्रल एशियन फ्लाईवेज में हम ऐसे जैसे हमारे सेंट्रल एशिया से प्रवेश करते हैं जब पक्षी, तो इस वाले क्षेत्र से प्रवेश करते हैं क्योंकि हिमालय को पार करके वो नहीं आ सकते, तो वो इस वाले क्षेत्र से आते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जब वो ऑस्ट्रेलियन वाले इलाके से प्रवेश करते हैं तो इधर वाले क्षेत्र से, जब हम बात करेंगे कि वेस्ट पैसिफिक फ्लाईवे की तरफ से आएंगे तो वेस्ट पैसिफिक फ्लाईवे की तरफ से ये हमारे बे ऑफ बंगाल वाले क्षेत्र से इधर प्रवेश करते हैं और फिर ये इस तरफ तक बढ़ते रहते हैं सूर्य के कंटिन्यूअसली दक्षिणायन होने के साथ साथ, और फिर जैसे ही सूर्य उत्तरायण होगा तो ये धीरे धीरे अपने क्षेत्रों की तरफ वापस चले जाते हैं, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब इसके तहत होता क्या है सीएमएस के तहत, ये तो फ्लाईवेज की बात हो गई, अब सीएमएस के तहत क्या चलता है? तो सीएमएस के तहत दो जब सम्मेलन होता है तो इसकी एक लिस्ट है, उस लिस्ट में दो अपेंडिक्स है यानी कि दो परिशिष्ट है, एक परिशिष्ट में एंडेंजर्ड माइग्रेटरी स्पीसीज को शामिल किया जाता है, जिसमें क्या होता है कि वो एंडेंजर्ड माइग्रेटरी स्पीसीज जो होती है उनको रेंज स्टेट मतलब कि जिस राज्य से वो उड़कर आ रहे हैं, जैसे मान लो कि साइबेरिया से उड़कर आ रहे हैं और साइबेरिया से भारत की तरफ आते हैं तो बीच में कई सारे राज्य पड़ते हैं, कई सारे देश पड़ते हैं मतलब, तो उनको बोला जाता है रेंज स्टेट। अब इन रेंज स्टेट को मतलब एक फिक्स कर दिया गया, इनके लिए बाध्यकारी कर दिया गया कि अगर अपेंडिक्स वन में कोई भी माइग्रेटरी स्पीसीज शामिल है तो आपको स्ट्रिक्टली उसको प्रोटेक्ट करना होगा, यानी कि उसके आवास डेवलप करने पड़ेंगे, उसके शिकार को प्रतिबंधित करना पड़ेगा, या फिर इसी तरीके से आपके लिए उसके लिए और व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी। जैसे अतिथियों के लिए हम घर आते ही सही कई सारी व्यवस्था करते हैं ना, ठीक उसी तरीके से वो भी हमारे अतिथि है तो उनको प्रोटेक्ट करना है हमें, तो वो काम करना है क्योंकि ये एंडेंजर्ड स्पीसीज है, इनको खतरा है, ये खत्म होने वाली है। और दूसरी आती है अपेंडिक्स सेकेंड में, जिसमें ऐसी प्रजातियां शामिल होती है जिनको थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय ध्यान देने की जरूरत है, मतलब माइग्रेटरी स्पीसीज कंजर्व थ्रू एग्रीमेंट्स, एग्रीमेंट्स के जरिए इनको कंजर्व किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, जैसे अगर भारत और पाकिस्तान को किसी प्रजाति को तो यहाँ पर वो एग्रीमेंट करेंगे इस तरीके से। तो कई सारे एग्रीमेंट हुए हैं कई सारी प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए, जैसे आप देखोगे तो एग्रीमेंट ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एल्बाट्रोज एंड पेट्रल्स, एग्रीमेंट ऑन द कंजर्वेशन ऑफ कैटेशियंस एंड ऑफ द ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी और कॉन्टिजीनियस अटलांटिक सी। उसके अलावा अभी जो लेटेस्ट एक कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा में चर्चा में रहा, जो एक एग्रीमेंट ज्यादा चर्चा में रहा वो था यूरोबैट्स, यूरोबैट्स एग्रीमेंट ऑन द कंजर्वेशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ यूरोपियन बैट्स। इसके बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे कि ये क्या चीज है, ठीक है। अब यूरोबैट क्या है? देखो यूरोबैट एक तरह से अगर आप देखोगे तो इंसेक्ट्स की प्रजातियों को ओरिजिनली, देखो अभी क्या है यूरोपियन जो बैट्स है, यूरोपियन चमगादड़ है, उन पर बहुत ही भयंकर वाला संकट मंडरा रहा है, और वो भी एक तरह से प्रवासी पक्षी है, प्रवासी जीव है मतलब। अब उस प्रवासी जीव को संरक्षित करने के लिए इंसेक्ट्स को संरक्षित करना पड़ेगा, क्योंकि जिन इंसेक्ट्स पर वो बेस्ड होती है वो इंसेक्ट्स खत्म होते जा रहे हैं। अगर हम बात करें तो आप देखोगे यहाँ पर द ड्राफ्ट रिजोल्यूशन हैज बीन रिप्रेजेंटेड बाय द यूरोपियन यूनियन ऑफ द डिस्कस एट सीएमएस COP 13, दिस विल हेल्प टू अंडरस्टैंड इंसेक्ट डाई ऑफ एंड इट्स इफेक्ट ऑन माइग्रेटरी
स्पीसीज, ठीक है। तो COP13 विल बी द फर्स्ट कन्वेंशन टू फोकस ऑन द इंसेक्ट्स ऑन ए लार्जर स्केल, यानी कि इंसेक्ट्स पर फोकस करने वाला ये पहला कन्वेंशन है पूरे विश्व का ही। तो COP13 की एक महत्वपूर्ण बात ये भी है। इसके अलावा कई सारे एग्रीमेंट जो होते हैं, तो ये चाहता है कि वाइल्ड फ्रेंडली और ना माइग्रेटरी फ्रेंडली एनवायरनमेंट डेवलप हो, और इस तरीके से सार्क वगैरह और उससे रिलेटेड जानकारी है। लेकिन अभी एक बात और, एक तो हो गई यूरोबेट्स आपको जो ध्यान रखना है, दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि CMS अपेंडिस में अभी कौन सी प्रजातियां शामिल हुई है। तो 10 नई प्रजातियों को CMS अपेंडिस में शामिल किया गया है। ये 10 नई प्रजातियां कौन कौन सी है? अपेंडिस 1 में शामिल हुई है 7, और अपेंडिस 2 में शामिल हुई है 3। तो जो 7 शामिल हुई है अपेंडिक्स 1 में, इसमें भारत की 3 प्रजातियां शामिल हुई है। कौन कौन सी? एशियन एलिफेंट, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और बंगाल फ्लोरिकन, जिनके बारे में हम अलग अलग स्लाइड्स में डिस्कशन करते रहेंगे अलग अलग वीडियोस में, ठीक है। इसके अलावा जैसे जगुआर जो ब्राजील वाले क्षेत्रों में, लिटिल बस्टर्ड, एंटीलोप, एल्बाट्रोस, ओशियन वाइट शिप सार्क, ये प्रजातियां हैं। इसके अलावा जो अपेंडिक्स 2 में अभी हम डिस्कस कर ही लिए थे, फटाफट से आपको जवाब देना है कि अपेंडिक्स 1 में, जरूर जवाब देना है कि अपेंडिक्स 1 में शामिल होने वाली ये प्रजातियों को किस तरीके का संरक्षण प्राप्त होता है, क्योंकि हमने अभी जस्ट अपेंडिक्स 1 के बारे में डिस्कस किया है। फिर आता है अपेंडिक्स 2, जिसमें द यूरियल, स्मूथ हैमर सेड शार्क एंड टॉप शार्क को शामिल किया गया है। तो ये इनको स्पेशली प्रोटेक्शन मिलेगा एग्रीमेंट्स के जरिए। तो ये 3 प्रजातियां हमारे भारत की, एशियाई हाथी, बंगाल फ्लोरिकन और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में हम डिटेल डिस्कशन अगली स्लाइड में और करेंगे। इसके अलावा और क्या हुआ है? 10 नई प्रजातियां, यूरोबेट्स, और उसके बाद में न्यू माइग्रेटरी स्पीसीज चैंपियंस को भी शामिल किया गया है। मतलब कि ये ऐसे लोग, ऐसे चैंपियंस हैं जिन्होंने माइग्रेटरी स्पीसीज के लिए बहुत ही बेहतरीन कार्य किया है। तो ये चैंपियंस में इंडियन गवर्नमेंट, जर्मनी, इटालियन, मोनाको, नॉर्वेज, नॉर्वेजियन गवर्नमेंट और आबू धाबी, और इसके बाद में यूरोपियन कमीशन, ये 7 है, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट को भी इन चैंपियन में शामिल किया है, ठीक है। चैंपियन मतलब जो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है। फिर इसमें एक प्लान हुआ है, विजनरी प्रोस्पेक्टिव प्लान, जो 2020 से 2030 तक एडॉप्ट किया जाएगा, मतलब 2020 से 2030 तक इसको लागू किया जाएगा, इस प्लान को। इसमें ये कहा गया है कि देर आर 1317 बर्ड स्पीसीज इन इंडिया, भारत में, और आउट ऑफ दीज 72 जो है वो एंडेमिक है, यानी कि एक स्पेसिफिक क्षेत्र में पाई जाती है, 100 जो है वो थ्रेटेंड में है, खत्म होने वाली है, यानी कि उनको खतरा है, और 17 जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज में है, और ये IUCN में शामिल होने वाली स्पीसीज है, एक तरह से कैटेगरी है IUCN की, जिसको हम IUCN वाले टॉपिक में बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, और इसमें 63 वल्नरेबल और 20 एंडेंजर्ड में, ठीक है। तो यानी कि ये बहुत खतरनाक स्थिति है। जो 100 है ना थ्रेटेंड, इसको 3 भागों में बांटा गया है, 17, 13 और 20, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो अराउंड 220 270 स्पीसीज जो है वो रेयर कैटेगरी में शामिल है और बहुत ही खतरनाक कंडीशंस में है। तो हम क्या करेंगे कि 219 बर्ड बायोडायवर्सिटी एरियाज जो हैं उनको सर्व करने की कोशिश करेंगे, उनको ठीक करने की कोशिश करेंगे। हमने ये प्लान, विजनरी प्रोस्पेक्टिव प्लान बताया है, मतलब CMS के देशों को। अब CMS में भारत की स्थिति क्या है? भारत 1983 में जब CMS लागू हुआ था, जब बॉन कन्वेंशन इसको कहते ही हैं, बॉन कन्वेंशन लागू हुआ था तब इसमें शामिल हुआ था। उसके बाद में साइबेरियन क्रेन, मरीन टर्टल, ड्यूगोंग, रैप्टर जैसे को संरक्षण और प्रबंधन के तहत गैर कानूनी रूप से इनको बाध्यकारी बनाया गया है, MOU साइन किए हैं भारत ने, ठीक है। यानी कि वो एग्रीमेंट वाला सीन भारत ने किया है, ठीक है, अपेंडिक्स 2 वाला। तो ये हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा भारत ने माइग्रेटरी स्पीसीज को संरक्षण देने के लिए नेशनल एक्शन प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स भी जारी किया है, जो 5 वर्ष का एक एक्शन प्लान होगा। 2018 में हमने जारी किया था और 2023 तक इस एक्शन प्लान के तहत काम करेंगे, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो अब आगे की जो हमारी स्लाइड रहेगी, उस आगे की स्लाइड में हम और बहुत सारी चीजों का डिस्कशन करेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को क्लास अटेंड करने के लिए, और फटाफट से आप लोग जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका जवाब देना है कि अपेंडिक्स 1 में हमारी 3 प्रजातियां शामिल होने के बाद में उनको किस तरीके का संरक्षण प्राप्त होगा, और उसके बाद में
और अगली क्लास जो होगी, इससे पहले हमने रामसर साइट्स पर क्लास डाली थी, इसके बाद हम और क्लासेस डालते रहेंगे, तो कंटिन्यूअसली जुड़े रहें। पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और इसको अपने दोस्तों के साथ और जो भी आपके ग्रुप्स वगैरह जिसको ज्वाइन कर रखें उसके साथ शेयर करें। धन्यवाद।